ये देखिए, ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है ना, उससे भी ज़्यादा ये खाने में आपको लगेगा, इतनी टेस्टी, इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आपके घर में बड़े तो बड़े बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। आंवले की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ हम ताजे ताजे आंवला लिए हैं। ये 500 ग्राम आंवला है। तो चलिए बनाते हैं विटामिन सी से भरपूर आंवले की खट्टी मीठी लौंजी। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और इसमें हम 1 कप पानी डाल दिए हैं गर्म होने के लिए। तो पानी हमारा गर्म हो गया है और अब ये आंवले को हम इसमें डाल देंगे और इसे हम ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए इसे हम बॉईल करेंगे। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाकर हम देख लेते हैं। ये देखिए, आंवले हमारे अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। तो गैस का फ्लेम हम बंद करते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए, आंवले हमारी अच्छी तरह से उबल गए हैं, फट फट गया है इस तरह से। तो आंवले को हम निकाल लेते हैं इस तरह से एक प्लेट में। तो अभी आंवले को हम इससे ठंडा होने देते हैं, इसके बाद हम इसका अंदर का बीज निकाल लेंगे। आंवला हमारा ठंडा हो गया है और अब इसे हम, ये देखिए, आंवला को उबालते वक्त अच्छी तरह से आंवला हमारा उबल गया है, अपने आप ये इस तरह से फट गया है, ये देखिए। तो इस तरह से इसका हम इसे अलग कर लेंगे और इसके बीज को हम निकाल लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में ये निकल जाएगा, ये देखिए। तो इसी तरह से सारे आंवले को इस तरह से निकाल लेंगे इसके बीज को। ये आंवले के बीज को हम अलग कर लेंगे और इस तरह से हम आंवले को भी टुकड़ों में कर लेंगे। सारे आंवले का बीज हम निकाल लिए हैं और इस तरह से आंवले को हम अलग अलग कर लिए हैं। आंवला हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है ये तो आप सबको पता है। ये हमारे हेल्थ के लिए, बालों के लिए, ये हमारे सुंदरता के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कहते हैं कि एक आंवला 3 संतरे के बराबर इसमें विटामिन सी की मात्रा होती है। तो चलिए बनाते हैं आंवले का बहुत ही टेस्टी आंवले की चटनी, जिसे लौंजी और आप इसे अचार भी कह सकते हैं, आंवले की खट्टी मीठी अचार। तो आंवले की लौंजी बनाने के लिए यहाँ हम लिए हैं कुछ खड़े मसाले। ये साबुत धनिया है, ये 1/2 चम्मच है, ये मेथी है, ये सौंफ है, कुछ काली मिर्च है, अजवाइन है और ये मंगरेला है। तो चलिए बनाते हैं आंवले की खट्टी मीठी लौंजी। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और अब इसमें हम ये जो खड़े मसाले हैं इसे हम हल्का गर्म करेंगे और इसे दरदरा कूट लेंगे। तो यहाँ हम धनिया डाल दिए हैं और ये जो खड़े मसाले हैं इसे भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। कि आप इस तरह से खड़े मसाले आंवले की लौंजी में डालेंगे तो आपकी लौंजी बहुत स्वादिष्ट बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। जैसा कि हमने कहा कि ये आंवले की खट्टी मीठी अचार है, तो इसमें हम सारे वही मसाले डाले हैं जो हम अचार में डालते हैं। तो मसाले को हम गर्म कर लेते हैं और इसे ठंडा करके दरदरा पीस लेंगे। कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में आंवले की लौंजी या आंवले की अचार बहुत अच्छी बनती है। तो आप भी सरसों के तेल में ही बनाएं। तेल हमारा गर्म हो गया है तो यहाँ हम डालेंगे मेथी, सौंफ और जीरा और ये तेज पत्ता डाल देंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग डालने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और अब इसमें हम डाल देंगे, ये हम थोड़ा सा अदरक लिए हैं जिसे हम ग्रेट कर लिए हैं। इससे हमारे लौंजी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा, बहुत टेस्टी लगेगा अदरक। और सर्दियों का सीजन है तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और अब ये आंवला हम इसमें डाल देते हैं।
और इसे हम 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, आंवले को हम अच्छी तरह से तेल में भून लिए हैं, ये देखिए। अब इसमें हम मसाले डाल लेंगे। तो यहाँ हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे हम मिला लेते हैं। सारे मसाले को आंवले के साथ अच्छी तरह से मिला लिए हैं और अब यहाँ हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये सफ़ेद नमक है जो हम रेगुलर खाते हैं और अब हम इसमें काला नमक डालेंगे, इससे हमारे आंवले की लौंजी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो काला नमक आप ज़रूर डालें और इसे मिला लें। और यहाँ हम डालेंगे ये वो मसाले हैं, खड़े मसाले जिसे हमने दरदरा कूट लिया है। तो अब मसाले को अच्छी तरह से मिला देते हैं। वाओ, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, ऐसा लग रहा है इसे अभी ही खा लूं, लेकिन अभी ये बना नहीं है। तो ये हमारा सेहतमंद आंवले की खट्टी मीठी अचार लौंजी। तो अब इसमें हम डालेंगे ये गुड़। गुड़ को हम अच्छी तरह से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिए हैं और अब इसे हम डाल देते हैं लौंजी में। तो आप गुड़ ज़रूर डालें और ख़ासकर सर्दियों में गुड़ हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो गैस का फ्लेम एकदम लो रखें और इसे लो फ्लेम पे गुड़ को मेल्ट होने तक पकाते रहें। तो इसे हम इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि गुड़ हमारा नीचे में सटे नहीं। तो जब गुड़ हमारा पिघलेगा, आंवला भी अपना रस छोड़ेगा और उसी में हमें पकाना है। हमें इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि अगर हम पानी डाल देंगे तो इसे हम ज़्यादा दिनों तक रखकर नहीं खा सकते हैं और बिना पानी डाले बनाएंगे तो इसे हम हफ्तों महीनों खा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट बनता है और हेल्थ के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये तो आप सभी को पता है। तो चलिए इसे हम लो फ्लेम पे मिलाते हुए पकाते रहेंगे जब तक कि हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। तो गुड़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, ये देखिए। ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है ना, उससे भी ज़्यादा ये खाने में आपको लगेगा, इतनी टेस्टी, इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आप इसे पूरी, पराठा, या जैसे कि सर्दियों के सीजन में हम आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा बनाते हैं, उसके साथ भी ये बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और ये इतनी अच्छी टेस्टी लगेगी कि आपके घर में बड़े तो बड़े बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है, इसे 2 मिनट हम और पका लेंगे ताकि आंवला हमारा अच्छी तरह से गुड़ में पक जाए। तो जैसा कि आपको ये पतला दिख रहा होगा, तो ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये बहुत गाढ़ा होते जाएगा। ये देखिए, ये अभी भी गाढ़ा होते ही जा रहा है, ये देखिए। तो ये हमारा आंवले की लौंजी, आंवले की खट्टी मीठी अचार बनके तैयार है। तो गैस का फ्लेम हम बंद करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये हमारा आंवले का खट्टा मीठा अचार बनके तैयार है। आप इसे लंबी समय तक बनाकर खा सकते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। आप जब भी आंवले की अचार या किसी भी चीज़ के अचार बनाएं तो उसे आप शीशे के ही कंटेनर में रखें, प्लास्टिक या किसी बर्तन में, स्टील या एल्युमिनियम में ना रखें। तो इस तरह से आप कांच के कंटेनर में रखिएगा तो इसे आप लंबे समय तक खा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी आंवले की खट्टी मीठी अचार बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।